की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान क्रिकेट, और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वेस्टइंडीज दौरे के लिए आज होने वाली भारतीय टीम के चयनकर्ताओं की बैठक टल गई है। जी हां, भारतीय टीम में शामिल होने वाले 15 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि COA यानी प्रशासकों की समिति के नए दिशा निर्देशों के बाद चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है, जिसमें पूर्व कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार यानी आज वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन करना था। दरअसल COA के नए दिशा निर्देशों के अनुसार चयन समिति की बैठक बुलाने का अधिकार सचिव को नहीं बल्कि चयन पैनल के अध्यक्ष को होगा। BCCI के नए नियम के अनुसार हुए इस बदलाव के बाद कागजी कार्रवाई में आवश्यक बदलाव जरूरी था। यह बैठक अब शनिवार या फिर रविवार को हो सकती है, क्योंकि सभी खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। BCCI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियमों में बदलाव के कारण कुछ कानूनी तौर तरीके हैं जिनका पालन करना जरूरी है और इसमें कुछ समय लग सकता है। इसके साथ ही BCCI को इस बैठक के लिए कप्तान की उपलब्धता के बारे में भी बताना होगा। इससे पहले COA ने निर्देश दिया कि BCCI सचिव नहीं बल्कि चयन समिति का अध्यक्ष चयन संबंधी मामलों की देखरेख करेगा। निर्देश में साफ तौर पर कहा गया कि अब से सचिव किसी चयन बैठक में भाग नहीं लेगा और ना ही क्रिकेट से जुड़ी किसी फैसले के लिए उसकी सहमति की जरूरत होगी। आपको बता दें कि विश्व कप 2019 के बाद भारतीय टीम का यह पहला विदेशी दौरा होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि कप्तान विराट कोहली और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को आराम दिया जा सकता है। विराट की जगह स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा कप्तानी का जिम्मा संभाल सकते हैं, जबकि धोनी की जगह ऋषभ पंत के अलावा ईशान किशन या फिर संजू सैमसन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए भारतीय टीम के चयनकर्ता शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, ईशान किशन, खलील अहमद जैसे युवा खिलाड़ियों पर भी दांव खेल सकते हैं।